नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी विवाह अधिनियम की जानकारी देंगे और इससे जुड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ये नियम भारतीयों द्वारा विदेश में किए गए शादी से संबंधित है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के मुताबिक विदेश में यदि कोई भारतीय शादी करता है तो उसे वहां स्थित भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देनी होती है। दूतावास में कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। शादी करने वाले लड़के और लड़की के दस्तावेजों की फाइल सहित शादी के कार्ड को भी प्रमाण के तौर पर जमा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं को न करने के बाद में शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनन उम्र 18 वर्ष है और लड़कों की 21 वर्ष है। वहीं नियम के विदेशी नागरिक के साथ विवाह करने का है, भले ही उनके देश का घरेलू कानून विवाह के लिए उच्च या निम्न आयु निर्धारित कर सकता है। विदेशी विवाह अधिनियम पर जानकारी देने के लिए हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपको विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01206127967। इसके अलावा आप 01206127968 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि फॉरेन मैरिज एक्ट का आखिर मकसद क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है? ज़ाहिरा, आपको प्रतीत होगा कि काफी न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में चर्चे आम रहते हैं कि यहाँ की लड़की या यहाँ का लड़का विदेश में जाके शादी की, वापिस अपने देश में आए और पता लगा कि वो शादी ही नहीं थी। जी जी। तो काफी सारी जिंदगियों को बचाने के लिए 1969 में फॉरेन मैरिज एक्ट आया। इस मैरिज एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। जी जी। पार्टिसिपेट कौन नहीं करते हैं आज, कौन नहीं करते हैं आज, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर आप शादी की बात करें तो हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दो, कोई भी आदमी शादी, दो हिंदू, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर कोई दो भिन्न भिन्न समुदाय के लोग शादी करना चाहें, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में सबसे पहले जो न्यूनतम कंडीशन है वो ये है कि 21 वर्ष की उम्र लड़के की होनी चाहिए और 18 वर्ष की उम्र लड़की की होनी चाहिए। ये सबसे पहला जो शर्त है शादी करने के लिए, वो चाहे कोई सा हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, यही कंडीशन ज़ाहिरा फॉरेन मैरिज एक्ट में भी वैलिड होती है। जी, जी। अब हम लोगों के दर्शकों के दिमाग में एक सवाल आएगा। जी, वहाँ की आपको जी, बताएं हम जी, जी, कि दोनों ही पक्षों में इंडियन, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो या फॉरेन मैरिज एक्ट हो, जो कॉमन चीज दोनों के अंदर है वो ये है कि इसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब फॉरेन मैरिज एक्ट कहाँ पर आता है? फॉरेन मैरिज एक्ट आता है जब दोनों पक्षों में से लड़का या लड़की एक इंडियन हो और जो दूसरा पक्ष हो वो विदेशी हो। जब विदेशी एक लड़का और लड़की होंगे तब उनके ऊपर फॉरेन मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। और उनको बेसिकली, अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जी, जी। क्या अगर हम विदेश के अंदर शादी कर ले तो भारत में वो शादी मान्य होगी या नहीं होगी? जी, जी, महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है जी, कुछ शर्तें हैं, कुछ प्रोसीजर है, कोई कुछ तरीके हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है शादी। अगर उन प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखा, तो शादी हिंदुस्तान में किसी भी देश में होगी। अगर उन कंडीशंस को पूरा किया तो यहाँ पर भी वैध होगी। जी। अब
इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट के अंदर ये शादी को डिक्लेयर करना होगा। पहले तो इंटेंशन डिक्लेयर करनी होगी कि हम इस आदमी से शादी करना चाहते हैं और फिर उसको गवर्नमेंट गजट के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं जी। अब जायरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, एक आपने शादी कर ली लेकिन शादी की भी कुछ शर्तें होती हैं, शादी की शर्तें क्या क्या हैं ये देखने की बात है जी। शादी की शर्तों में सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं फॉरेन मैरिज एक्ट में, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी आयु का प्रमाण पत्र देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लड़के और लड़की की आयु 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। दूसरी शर्त जो इसमें होती है कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए, क्योंकि आप जिस अगर फॉरेन कंट्री में शादी करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस विदेश में जाएंगे तभी शादी कर पाएंगे, तो वहां के आपके पास एक वीजा होता है जो वहां की एम्बेसी देती है, वो वैलिड वीजा होना चाहिए, मतलब कि जो इनफोर्स होना चाहिए वो वीजा, तभी आप उसमें, और उसके अंदर कम से कम आपके अंदर आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जिसमें शादी कर रही हैं वहां पर कम से कम 30 दिन का आपका निवास होना चाहिए, मतलब कम से कम आप वहां पर 30 दिन रुके होने चाहिए। दो कंडीशन ये हो गई। तीसरा कंडीशन आपको जो दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को, लड़के और लड़की को जो दोनों को देना है वो ये है कि दोनों को एक एफिडेविट देना पड़ेगा अपना कि हम दोनों अभी तक सिंगल हैं, हम दोनों अविवाहित हैं, शादीशुदा नहीं हैं। दोनों को ही अपनी फोटो के अलावा अपना पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी और काफी इस बात का साक्ष्य देना पड़ेगा, मतलब एविडेंस देना पड़ेगा कि आप कम से कम 30 दिन के अंदर, 30 दिन से कम उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप अपने आप को एंटाइटल्ड हैं, मान्य हैं कि आप फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत भी आपकी शादी हो जाएगी, और आप कि वो शादी ना केवल शादी हो जाएगी बल्कि गजट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के बाद वो वैध भी रहेगी। जी जी जी, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपने बताई हैं, कुछ कानूनी प्रावधान है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं ये सबमिट करना महत्वपूर्ण है, इंटेंशन क्लियर करना महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ बताया है। और जैसे कि आप बात करें तो भारतीय नागरिक विदेश में शादी कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी कानूनी प्रक्रिया होती है? जाहिरा प्रोसीजर वही, पहले तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इकट्ठा करना पड़ेंगे, जैसे जो अभी मैंने आपको 5-6 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था वो डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं। उसके बाद अगर आपको पहले अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, और वो जो शादी होगी वो आपको उस पर्टिकुलर, अच्छा इसमें अब दो बातें हैं जी। आपको पहले कुछ फॉर्म्स की फॉर्मेलिटीज भी है, जो वहां पर अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो फॉर्म्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है आपको। वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ये है कि फॉर्म I-130 जी, I-130 फॉर्म होता है, वो आपको देना पड़ेगा, भर कर देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक फॉर्म होता है DS-160 जी। ये दो फॉर्म भरना पड़ेगा। इस DS फॉर्म 160 को जायरा हम नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन भी बोलते हैं जी जी। तो ये आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, और फिर ये करने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वहां पर एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम अभी बताएंगे जी, जी। लेकिन आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अक्सर लोगों को ये एक गलत फहमी होती है जी, कि अगर ये सब प्रक्रिया आपने कर भी ली तो आपको इमीडिएटली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उस कंट्री की सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड होल्डर आप हो जाएंगे जी। ऐसा नहीं है जायरा, ये प्रोसेस पूरा करने के बाद भी आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, आप अभी भी वहां के सिटीजन इमीडिएटली नहीं हो जाते हैं, उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है जी। वो दूसरी तरीके का एक प्रोसेस है जी। अब अंडर सेक्शन 4 जो फॉरेन मैरिज एक्ट का है, दो जो इंडिविजुअल हैं वो शादी कर सकते हैं जी। अगर वो इंडिया में करना चाहें तो वो इंडिया में अगर करेंगे, जरूरी नहीं कि भारतीय ही
विदेश में जाकर और शादी करे, ये वाइस वर्षा भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। वाइस वर्षा का मतलब ये है कि वहां वहां का कोई नागरिक आपके हिंदुस्तान में आके वो शादी कर सकता है इंडियन लड़का या लड़की से। वो अंडर सेक्शन 4 में स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये प्रावधान जो शादी में अंडर सेक्शन 4 कोई भी दो आदमी शादी करेंगे। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन मैरिज एक्ट के बारे में, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी बने हुए हमारे साथ लगातार। प्रदीप जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवाह अधिकारी कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, दूतावास की क्या भूमिका होती है ऐसे में? दूतावास की बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है शादी के अंदर, क्योंकि जब भी आप शादी करेंगे तो पहले आपको अपनी शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा विदिन, अगर शादी अगर आपकी हो गई, आपने एक शादी कर ली है जी, तो विदेश में या यहाँ पर, तो आपको उस शादी को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है शादी के 30 दिन के अंदर जी। और रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे जी जी, और जो जो मैरिज ऑफिस वो अपॉइंटेड बाय डिप्लोमेटिक प्रोसीजर से, डिप्लोमेटिक चैनल से आपके जो दूतावास हैं जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है शादी का, तो दूतावास की भूमिका भी बहुत अहम होती है यहाँ पर। तो अगर कोई जोड़ा विदेश में शादी करता है तो क्या भारत वापस आकर उसे शादी यहाँ भी रजिस्टर करवानी पड़ेगी? अगर रजिस्ट्री यहाँ नहीं हुई तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में क्या करना चाहिए उसे? देखिए जायरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे को अगर कोई उसमें से एक अगर इंडियन है तभी ये प्रोसेस जरूरी है, क्योंकि अगर आपने शादी कर ली उसमें से एक इंडियन है और एक फॉरेन नेशनल का आदमी है, तो आप शादी कर और आपका रजिस्ट्रेशन अगर उस कंट्री में है आप वहां पर भी कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर वहां की गवर्नमेंट कुछ जैसे हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, इसी तरह हमारी कुछ कंट्रीज के साथ ट्रीटी है जिसमें की शादी को भी हम यहाँ पर वैध मानते हैं। कंडीशन यही है कि वहां पर मैरिज का एक प्रोसीजर जो फॉलो होना चाहिए, और फॉलो जैसा कि रजिस्ट्रेशन उसमें मैरिज रजिस्टर करानी है आपको 30 दिन के अंदर, अगर वो उस कंट्री के अंदर अगर आपकी शादी वैध है तो अगर वो वहां की गवर्नमेंट आपको दे देती है एक सर्टिफिकेट कि ये एज पर नॉर्म्स एज पर गाइडलाइंस अगर ये शादी यहाँ पर हुई है बिटवीन इंडियन और एक विदेशी जो भी है, तो उसको आकर यहाँ पर बस सिर्फ ये बताना कि ये शादी यहाँ पर हो गई है और उसको हमें यहाँ पर आकर डिक्लेयर, तो वहां की शादी भी हमारे देश में वैध मानी जाती है जी। अब जायरा एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, ये तो रहा एक पक्ष की आपने शादी कर ली जी, शादी का हो गया, लेकिन अब दूसरा एक चीज, एक जो पक्ष हम अभी तक भूल रहे हैं जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो कई बार डाइवोर्स का भी होता है। तो डाइवोर्स क्या है और कितनी वैधता है, इसके बारे में मेरा मानना है कि एक बार हमें थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहिए जी जी। जो डाइवोर्स है वो जायरा अगर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पक्षों की सहमति से अगर डाइवोर्स लिया गया है तो वो डाइवोर्स भी वैलिड माना जाता है, इंडिया में भी वैलिड माना जाता है जी 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 जी। तो डाइवोर्स जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर, अगर विदेश में शादी हुई है तो क्या भारत में डिवोर्स हो सकता है, और ये भी साथ ही साथ है कि अगर भारत में शादी हुई है तो क्या विदेश में डिवोर्स किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जैसे कि आप प्रदीप जी बता रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में इसमें क्या कुछ कानून कहता है, थोड़ा तफसील से जानना चाहेंगे इस बारे में। जाहिर है मैंने जैसे बताया कि डाइवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी इसका प्रावधान है सेक्शन 13 और 14 के अंदर, 13 और 14 सेक्शन में इसका प्रावधान है जी। अब इसमें भी वही बात है कि ये जो जो म्यूचुअल कंसेंट से जो दोनों की सहमति से जो डाइवोर्स होता है,
वो ऑन अकाउंट ऑफ कमिटी ऑफ नेशन बोलते हैं इसको, दो देशों के अंदर एक प्रकार की संधि होती है जी जी, कि अगर यहाँ पर डाइवर्स नलिटी हो गया और दूसरे देश के साथ हमारी कॉमिटी है, हमारे जैसे ट्रीटी है, कुछ कुछ हमारे नियम कानून को दूसरे देशों में मान्यता है और कुछ दूसरे देशों की मान्यता हमारे देश में है जी जी, तो अगर कॉमिटी है, कॉमिटी ऑफ नेशन बोलते हैं इसको, अगर कॉमिटी ऑफ नेशन है तो इस अकाउंट के ऊपर भी आपका म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डाइवोर्स पॉसिबल है। और वैसे भी देखा जाए तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 13 और 14 के अंदर इस बात का प्रावधान हमारे पास जी जी। तो ऐसे में अगर विदेश में तलाक होता है तो क्या जो संपत्ति का बंटवारा होता है वहीं के कानून के हिसाब से होगा? तो अहम जानकारी उन्होंने दी यहाँ पर हमें, फॉरेन मैरिज एक्ट से जुड़ी हुई काफी कुछ आपको जानकारी मिली होगी कि क्या कुछ इसमें कानूनी प्रावधान है। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।